चिल्ड्रन, आप सभी का वेलकम करती हूँ बायोलॉजी हब चैनल में। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो बेसिकली है आपका प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। नाउ व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस टॉपिक इज, ये टॉपिक आपका बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही पार्ट है। तो आपके क्या क्या इवेंट्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? सबसे पहले है आपका प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, यानी वो इवेंट जो फर्टिलाइजेशन से पहले होता है। देन आपका एक्चुअल फर्टिलाइजेशन एंड देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। वो इवेंट जो फर्टिलाइजेशन के बाद होते हैं वो पोस्ट है, जो फर्टिलाइजेशन से पहले इवेंट्स हो रहे हैं वो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हैं। तो अब हम बात करते हैं आपके प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पे हमारा आज का फोकस रहेगा। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में आपका गैमेटोजेनेसिस आ जाता है, जहाँ पे हम बात करते हैं गैमेट्स के बनने की। एंड दूसरा आ जाता है आपका गैमेट्स ट्रांसफर, जहाँ पे आपके गैमेट्स जो हैं वो ट्रांसफर होते हैं। नाउ जब हम फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो ये वो इवेंट है जहाँ पे गैमेट्स जो हैं वो फ्यूज करते हैं एक दूसरे से एंड दे फॉर्म द जाइगोट। तो जाइगोट जो बनता है वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में आता है, जहाँ पे आपका जाइगोट बनता है सबसे पहले, फिर एम्ब्रियो बनता है एंड देन आपका पूरे ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। नाउ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वर्सेस योर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये तो आपको पता ही है कि ये बहुत ही आपके दो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन है, एक एसेक्सुअल एक सेक्सुअल। नाउ एसेक्सुअल में यूनिपेरेंटल यानी सिंगल पेरेंट इज इनफ टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल एंड मेटिंग आपकी इसके अंदर ज़रूरत नहीं होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है आपका बाई पेरेंटल होता है, यानी टू पेरेंट्स की ज़रूरत होती है और मेटिंग जो है वो रिक्वायर्ड होती है। नाउ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में योर गैमेट्स आर नॉट इन्वॉल्व्ड, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके गैमेट्स जो हैं वो इन्वॉल्व्ड होते हैं। नाउ जब हम बात कर रहे हैं प्री फर्टिलाइजेशन की तो क्या क्या चेंजेस होते हैं? तो प्री फर्टिलाइजेशन में जैसे हम बात कर रहे थे गैमेटोजेनेसिस होता है, जहाँ पे गैमेट्स बनते हैं। तो गैमेटोजेनेसिस का क्या डेफिनेशन है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेल एंड फीमेल गैमेट। तो यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस वो प्रोसेस है, यहाँ पे आपके मेल एंड फीमेल गैमेट बनते हैं। और कैसे बनते हैं? हैप्लॉइड। दिस टर्म इज़ वेरी एसेंशियल, हैप्लॉइड। व्हाई? बिकॉज आपके जो गैमेट्स होते हैं उनके अंदर उतने नंबर ऑफ क्रोमोसोम नहीं होते हैं जितने आपके नॉर्मल इंडिविजुअल में प्रेजेंट होते हैं, उसका हाफ होता है। तभी दो गैमेट्स मिलके आपके इक्वल नंबर ऑफ आपका क्रोमोसोम रिस्टोर करते हैं। जैसे कि आपके ह्यूमन बीइंग्स में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, यानी 46। नाउ गैमेट में 23 होंगे, तो जब मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज करेंगे तो 23 + 23 46 हो जाएंगे। अच्छा, गैमेट्स जो हैं वो होमोगैमेट्स भी हो सकते हैं, यानी जो सेम आइडेंटिकल टाइप के गैमेट्स हैं उनको हम आइसोगैमेट्स भी कहते हैं, या फिर हेट्रोगैमेट्स हो सकते हैं, जहाँ पे एक आपका गैमेट मेल है तो दूसरा फीमेल है और आपस में वेरी करते हैं। तो हेट्रोगैमेट्स में जो मेल गैमेट है उसको हम एंथ्रोजॉइड या फिर स्पर्म कहते हैं और जो फीमेल गैमेट है उसको एग या फिर हम ओवम कहते हैं। ठीक है। नाउ जैसे कि मैं बात कर रही थी कि जो आपका मदर सेल है वो 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। नाउ दिस मदर सेल विल डिवाइड एंड देन व्हेन द हैप्लॉइड गैमेट्स वुड बी फॉर्म इट विल कंटेन n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। यानी अगर यहाँ पे 46 क्रोमोसोम है तो यहाँ पे 23 क्रोमोसोम्स होंगे। तो यानी जो डीएनए अमाउंट है वो आधा होता है आपके गैमेट्स में। नाउ गैमेटोजेनेसिस में जब हम बात करते हैं तो आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस आता है एंड ओजेनेसिस आता है। स्पर्मेटोजेनेसिस वो प्रोसेस है जहाँ पे मेल गैमेट बनता है जिसे हम स्पर्म बोलते हैं, एंड ओजेनेसिस वो प्रोसेस है जहाँ पे फीमेल गैमेट बनता है। ठीक है। सो स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या है कि आपका सबसे पहले कोई भी एक सेल है जिसे हम जर्मिनल एपिथेलियल सेल कहते हैं, जो कि आपके टेस्टिस में प्रेजेंट होते हैं, इसमें माइटोसिस होगी तो इनका नंबर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम स्पर्मेटोगोनियाज बोलेंगे। नाउ हर एक स्पर्मेटोगोनिया जो है इसको हम आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा, इसमें थोड़ी सी ग्रोथ होगी। जैसे आप देख सकते हैं ये सेल छोटा है लेकिन ये सेल बड़ा हो चुका है क्योंकि इसमें ग्रोथ हुई है। तो ग्रोथ होने की वजह से ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गया।
अब इसमें जो डिवीजन होगी वो मियोसिस होगी, और हमें पता है कि मियोसिस कैसी डिवीजन होती है, रिडक्शनल डिवीजन होती है। तो जब आपकी मियोसिस होगी तो आपका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे, जिनके अंदर हैप्लॉइड नंबर ऑफ गैमेट्स होंगे, जो कि अगेन आपके स्पर्मियोजेनेसिस के थ्रू आपके स्पर्मेटिड्स बनाएंगे, जिनके अंदर अगेन आपके एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, क्योंकि मियोसिस भी आपके टू फेजेस में डिवाइडेड होती है, मियोसिस वन एंड मियोसिस टू। तो मियोसिस टू में बेसिकली आपके स्पर्मेटिड्स बनेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से आपको फोर स्पर्मेटिड्स मिले हैं और वो आगे आपके डेवलप होके स्पर्म बना देंगे। तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से आपको फोर हैप्लॉइड स्पर्म्स मिल रहे हैं, ठीक है, ये याद रखना। नाउ नेक्स्ट है ओजेनेसिस। ओजेनेसिस वो प्रोसेस है जहाँ पे एग फॉर्मेशन होता है। नाउ अनलाइक स्पर्मेटोजेनेसिस, ओजेनेसिस में आपका जो प्राइमरी ओसाइट है वो आपका राइट फ्रॉम द बर्थ बना होता है, लेकिन वो आपके मियोसिस वन में अटक जाता है, तो प्रोफेज ऑफ मियोसिस वन में रुका रहता है। अब क्या होता है, जब प्यूबर्टी रीच होती है फीमेल्स में, तो ये प्राइमरी ओसाइट जो है ये मैच्योर होने लग जाता है। तो जब ये मैच्योर होने लग जाता है तो ये सेकेंडरी ओसाइट और पहली पोलर बॉडी बनाता है। फिर इस सेकेंडरी ओसाइट में आपकी मियोटिक डिवीजन होती है और आपका ये मैच्योर ओवम बनाता है, प्लस आपकी पोलर बॉडीज बनाता है। तो एट द एंड आपकी थ्री पोलर बॉडीज और एक ही एग बनता है। वेयर एज स्पर्मेटोजेनेसिस में एक आपके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से फोर स्पर्म्स बनते हैं, लेकिन यहाँ पे एक प्राइमरी ओसाइट से एक ओवम बनता है और थ्री पोलर बॉडीज बनती हैं। नाउ अब आप देखिए, ये आपका कंपैरिजन है बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस। देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले आपका स्पर्मेटोजेनेसिस में आपका 2n नंबर है, देन स्पर्मेटोगोनियम जो बना उसके अंदर आपकी माइटोटिक डिवीजन हुई, स्पर्मेटोसाइट बना, मियोसिस वन में दो गैमेट बने, मियोसिस टू में फाइनल आपके फोर स्पर्मेटिड्स बने, जो आगे आपके स्पर्म बना लेते हैं, जिनकी प्रॉपर आपका हेड शेप स्ट्रक्चर वो अक्वायर कर लेते हैं। देन ओजेनेसिस में ये जो आपका स्टेज है, प्राइमरी ओसाइट्स जो है वो ब्राइट फ्रॉम द बर्थ प्रेजेंट होते हैं, बट वो आपके मैच्योर होना शुरू करते हैं प्यूबर्टी में। तो इसीलिए जो आपके नंबर ऑफ ओसाइट्स हैं जो एक फीमेल की बॉडी में बनेंगे ड्यूरिंग हर लाइफ साइकिल, वो फिक्स्ड होते हैं। इसीलिए आपका मेनोपॉज आता है जहाँ पे आपके एग्स बनने और रिलीज होने बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। इसीलिए जो फीमेल्स हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम तक ही फर्टाइल रहती हैं, वेयर एज मेल्स जो हैं दे कंटिन्यू टू प्रोड्यूस स्पर्म्स थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। उसके बाद आपका प्राइमरी ओसाइट जो है उसके अंदर आपकी अगेन मियोसिस वन एंड टू होती है, एंड फाइनली आपका थ्री पोलर बॉडीज बनती हैं और एक आपका ओवम बनता है, जो कि आपका लेटर ऑन जब फ्यूज होता है स्पर्म से तो वो जाइगोट बनाता है, देन एम्ब्रियो बनाता है, एंड देन नया इंडिविजुअल बनाता है। नाउ इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस क्या है स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस में। स्पर्मेटोजेनेसिस से जैसे हमने बात करी, मेल गैमेट बनता है जिसे हम स्पर्म कहते हैं। ओजेनेसिस में आपका फीमेल गैमेट बनता है जिसे हम ओसाइट बोलते हैं। अच्छा, स्पर्मेटोजेनेसिस होती कहाँ पे है, ये आपके मेल्स में टेस्टिस में होता है और टेस्टिस में भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है, और ओजेनेसिस आपके फीमेल्स में होता है ओवरीज में। देन स्पर्मेटोजेनेसिस में भी मियोसिस होती है और थ्रू आउट लाइफ होती रहती है। ओजेनेसिस में मियोसिस होती है लेकिन प्यूबर्टी से लेके मेनोपॉज तक, ठीक है, जहाँ पे आपके मेनोपॉज के बाद एग्स बनने बंद हो जाते हैं। नाउ स्पर्मेटोजेनेसिस में आपके 400 लाख स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं पर डे, वेयर एज फीमेल्स में एक ही एग प्रोड्यूस होता है एक ओवेरियन साइकिल में, यानी एक मंथ में एक ही एग जो है वो मैच्योर होता है। नाउ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड करते हैं और वो आपके दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाते हैं, वेयर एज प्राइमरी ओसाइट जो है वो अनइक्वली डिवाइड करता है और एक लार्ज ओसाइट बनाता है और एक पोलर बॉडी बनाता है। स्पर्मेटोजेनेसिस में एक स्पर्मेटोगोनिया से आपको फोर स्पर्मेटोजोआ बनते हैं,
लेकिन ऊगोनियम में आपके एक फंक्शनल ओवम बनता है और लास्ट में थ्री पोलर बॉडीज, ये टू नहीं है, ये थ्री पोलर बॉडीज बनती हैं। तो ये हो गया आपका प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब क्या होगा फर्टिलाइजेशन में, क्या होगा, जो स्पर्म है वो आपके एग को फ्यूज कर देगा, तो आपके इट विल मार्क द ऑनसेट ऑफ फर्टिलाइजेशन। सो दिस वॉज अबाउट द प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द फर्टिलाइजेशन इवेंट। सो प्लीज़ गाइज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोज़ लाती रहूँगी, और जुड़े रहिए मेरे साथ, और अपने कमेंट में बताइए कौन से टॉपिक में आपको सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी है।